ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दुनिया में एक चीज़ जो लोग दुनिया देखते हैं, सेवन वंडर्स, मतलब अजीब दुनिया की चीज़ें, पिरामिड्स और दीगर चीज़ें, ताजमहल, मुख्तलिफ चीज़ों में एक चाइना का वॉल है बहुत बड़ी। और चाइना ये वॉल को बनाने की सबब क्या थी कि वो लोग दुश्मनों के अटैकों से अपने आप को बचाने के लिए, तो वो पूरा बॉर्डर क्लोज़ कर दिया है और ऊंची दीवार से ये चाइना वॉल लगाए हैं। मगर उसी 100 साल के अंदर चाइना पे बहुत बड़े 3 हमले हुए और नुकसान पहुंचा है उस मुल्क को। अब आप सोचेंगे, इतनी बड़ी दीवार ऊंची, कोई दुश्मन इतना आसानी से चढ़ नहीं सकता और मामूली बात नहीं है। मगर उसी 100 साल के अंदर बड़े अटैकों में चाइना का बहुत नुकसान और तबाही हो गई, मगर दुश्मन को दीवार चढ़ना नहीं पड़ा। दुश्मन सिर्फ वहाँ के वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ है। तो ज़िंदगी से ये सबक मिल रहा है कि दुनिया के इमारतें, बिल्डिंगा, रियल इस्टेट, घरदार, ये असिस्ट बनाने से पहले अपने बीवी बच्चों में, अपने सोसाइटी के अंदर क्वालिटी आदमी की मेंटेन करना, उसको बनाना ज़्यादा अहम है, उसकी पर्सनैलिटी, ईमानदारी की। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो आयत आपके सामने मैं रख रहा हूँ रिमाइंडर के तौर पर, या अबति इस्तअजर इन खैर मन इस्तअजरत अल-क़वी अल-अमीन। शुएब की बेटी जो मूसा के वाक़े में सूरह क़सस में आयत नंबर 26 में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक सिफत और ख़ूबी मूसा अलैहिस्सलाम में नज़र आई, तो वो कहती है अपने वालिद से, अब्बाजान इनको अपनी नौकरी के लिए, मुलाजिमत के लिए ले लीजिए, सबसे बेहतर इंसान मुलाजिम और नौकरी के काबिल हमारे पास वो होता है, अल-क़वीउल अमीन, जो स्ट्रॉन्ग भी है और ईमानदार भी है, मज़बूत अपनी सिफत में कि बुनियादी चीज़ें अखलाकियात में कम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, अच्छे अखलाक को हमेशा बुलंद रखता है, और उसके साथ साथ कि उसके पास क़ुव्वत भी है और ईमानदारी भी है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर कोई सी भी सोसाइटी को अगर तबाह और डिस्ट्रॉय करना है, तो पूरे दुश्मनान इस्लाम 3 चीज़ों पे ज़रब करते हैं, यानी कि उसको टारगेट बनाते हैं तोड़ने के लिए। पहले औरत बच्ची जो माँ बनती है, उसको कहा जाता है कि ये घर के कामकाज ये पहले का ज़माने का है, तो बच्चियों में ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम घर के बर्तन धोए या माँ के साथ पकवान करें या झाड़ू दे, समझते हैं ये काम हमारे नहीं है, कोई और काम वालों से किया जाए। तो वहाँ से उसको पता चलता है कि उसका घर का मुकाम नहीं है उसका बाहर निकलने का, और बाहर निकलने के बाद बुराई और बेहयाई और औरियानियत और वो माहौल जानते हैं उसकी तबाही कितनी होती है। तो पहले औरत को इस तरीके से तोड़ना है। दूसरा कि उस्ताद और मुअल्लिम, लेक्चरर जो होता है, उसको सोसाइटी के अंदर कोई बड़ी अहमियत, बड़ी वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको सिर्फ़ एक नौकरी की तरह नौकर है, और बच्चे, स्टूडेंट्स उस्ताद की लिहाज, एहतराम, अदब नहीं करे तो भी चलता, बल्कि कई बच्चे बच्चियां स्कूल में अपने टीचरों को कुछ ऐसे ताने वाले नाम रखते हैं जो उनकी गीबत भी होती, उनके बद पीछे उनकी बुराई होती, और उस्ताद की और मुअल्लिमा की कोई लिहाज और इज़्ज़त नहीं रखा जाती है। तो जब उस्ताद और टीचर जो सिखाने वाले, उनकी वैल्यू कम की जाती है, तो उसकी हिम्मत देने की भी कम होती है, और उसका मुकाम वैल्यूएबल नहीं है, तो बच्चे बच्चियां अक्सर झूठे सर्टिफिकेट, चीटिंग करना और धोखा दही से मामले को चलाना, तो उसमें कमज़ोर और धोखे का और जाली डॉक्टर पैदा होता है जो लोगों की जान ख़त्म करता है। फिर उसमें झूठा इंजीनियर आता है जो कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलावट करके, धोखा दही करके उसको नाइल्मी की वजह से नुकसानात पहुंचाता है। फिर उसके अंदर नाअहल और नाकिस कारीगर या जो भी है, जो उसके अंदर ईमानदारी की तरबियत नहीं हुई। तो कहने का मकसद
कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो दो सिफत दिए हैं कि ईमानदारी और उसमें मजबूत रहना, ये बुनियादी चीज़ है। तो ये तीसरी चीज़ जो लोग ज़रब करते हैं कि आपके उलमाए दीन, दीन के आलिम, इमाम साहब, हाफिज़ साहब, जो भी आपको गाइड रहनुमाई करते हैं, इस्लाम का तरीक़ा सिखाते हैं, वो लोगों को भी कोई वैल्यू नहीं देना। क्यों? जब उम्मत अपने उलमा की इज़्ज़त को गिरा देती है तो उम्मत को चलाने वाला कोई नहीं। अंबिया किराम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल उलमा वरासतुल अंबिया, दीन के उलमा वो पैगंबर के वारिस है, उम्मत को लेके चलते हैं। अगर उसका भी मुकाम डिलीट कर दिया गया, उस्ताद की भी वैल्यू ख़त्म हो गई, औरत घर से बाहर निकल के माहौल, घर की तरबियत, बच्चों की, शोहर की, घरदार की छोड़ दे, तो फिर ये सोसाइटी के ऊपर चार तकबीर जनाजे के कर कर सलाम फेर दीजिए, इल्ला माशा अल्लाह। बहुत कम लोग ये चीज़ को बचाव में रखे हैं और अक्सर लोग बुरे माहौल में आज मुलव्वस हो गए हैं। अल्लाह हमारी उम्मत की इज़्ज़त आबरू बचा कर महफूज रखे और हमारी उम्मत के अंदर इस्लाम की इज़्ज़त और इस्तेहकाम और अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद हमारे साथ शामिल हाल रहे। और जो माहौल में जो ख़राब और बुरे हालात पेश आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उसको दुरुस्त करके इस्लाह कर दे और उनको भी हिदायत दे दे कि सही रास्ते पे आ जाए। और यहाँ पर मालूम हुआ है कि चाइना की दीवार को चढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ ईमानदार निगरानी करने वालों को ठहराइए, वहाँ पर आपकी हिफाजत और हमारी हिफाजत होती है। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।